स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अभी इस वीडियो में हमने जो स्ट्रिप फोर्सेस है वो पहले देखेंगे हम। शो स्ट्रिप फोर्सेस में यहाँ पे जाके लोड कॉम्बिनेशन सर्विस, यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स दिए गए हैं मोमेंट, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड टॉर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंट चेक करेंगे अगेंस्ट लेयर ए अप्लाई। तो यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे अगर अनटिक किया तो ये वैल्यू नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे टिक करने का और ये वैल्यू देखने की, तो ये 18.31 किलो न्यूटन मीटर ये बेंडिंग मोमेंट की यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है लेयर ए की, लेयर ए की। अब लेयर बी की देखते हैं, ये वैल्यू 18.319 ये लेयर बी की जो वर्टिकल लेयर था अलोंग दी वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के लेयर की ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद शियर फोर्स लेयर बी का यहाँ पे ये दिखा रहा है, वैसे ही लेयर ए का शियर फोर्स दिखा रहा है। एक्सियल फोर्स तो नहीं रहता है, टॉर्शन देखते हैं, टॉर्शन भी है बहुत ही कम टॉर्शन है। तो मेनली ये दोनों चीज़ें देखी जाती है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। उसके बाद शो स्लैब डिज़ाइन, यानी कि यहाँ से डिज़ाइन हमें मिलती है। अभी देखो यहाँ पे डिज़ाइन बेसिस, दो बेसिस है, फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड एंड स्ट्रिप बेस्ड। अभी फिलहाल हम स्ट्रिप बेस्ड ही देखते हैं। फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड डिज़ाइन हम एक्चुअल जो हमारा प्रोजेक्ट है वो तभी जब स्टार्ट करेंगे तभी ये फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड ये मेथड हम देखेंगे। अभी फिलहाल स्ट्रिप बेस्ड मेथड ही हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप बेस्ड, यहाँ पे बॉटम रीबार एंड टॉप रीबार का हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रेनफोर्सिंग डिस्प्ले टाइप, यहाँ पे शो रीबार इंटेंसिटी। उसके बाद लेयर ए के लिए देखना है फील्ड डायग्राम, और यहाँ पे नन पहले तो देखना है नन से। ये देखो यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिखा रहा है, लगभग यहाँ पे आता है 400, 400 लगभग आता है, 402। तो ये इसका जो यूनिट है रेनफोर्समेंट का, ये mm स्क्वायर पर मीटर, यानी कि 1 मीटर के लिए mm स्क्वायर जो रेनफोर्समेंट का एरिया है वो यहाँ पे दिखाता है। तो उसका सिंपली लॉजिक ये है, एक मिनट में कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। देखो हमें बार का डाया और उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वो हमें निकालना होता है रेनफोर्समेंट के लिए। तो अभी हमारा सपोज करो ये एरिया आ रहा है 400 mm², तो पहले तो यूनिट लेंथ है इसलिए 1000 मल्टीप्लाई बाय जो बार डाया हम लेने वाले हैं उसका, एक बार डाया का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर समझो 10 mm का हम डाया लेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 78.5। तो 1000 को 78.5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने और उसको डिवाइड बाई करने का जितना एरिया बता रहा है उससे, यानी कि 400 से हमें डिवाइड किया, तो ये 196.25, यानी कि 196 mm सेंटर टू सेंटर हमें बार ले करने हैं 10 mm के अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। ये लेयर ए मतलब पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। तो ये यानी कि ये जो बार है ये ऐसे 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 आएंगे, हॉरिजॉन्टल बार आएंगे इन शॉर्ट। अभी फिलहाल इसके हिसाब से 190 mm सेंटर टू सेंटर पे। वैसे ही लेयर बी के लिए अप्लाई, तो यहाँ पे भी लगभग 422 दिखा रहा है। शो वैल्यूज़ अगर की तो यहाँ पे 428 दिखा रहा है, शो वैल्यूज़ ये किया तो बेटर रहता है 428। तो वैसे ही करने का 1000 मल्टीप्लाई बाय 78.5
डिवाइडेड बाय 428 मतलब 30 ले लेता हूँ मैं, तो ये 182 यानी कि 180 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग हो गया 10 mm बार का। इस तरह से ये किया जाता है। वैसे ही ये बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट तो हम आइसोलेटेड फुटिंग के लिए लेते नहीं हैं, जीरो दिखा रहा है वो, टॉप रेनफोर्समेंट जीरो दिखा रहा है। तो इस तरह से ये रेनफोर्समेंट का साइज हम लेते हैं। ये यहाँ पे हमने नन ऑप्शन किया था, अभी अगर हमने ये मिडल वाला ऑप्शन लिया है टिपिकल यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट रेनफोर्सिंग स्पेसिफाइड बिलो, तो यहाँ पे बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट के बार साइज और स्पेसिंग यहाँ पे दिया गया है, ये डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करके देता है। देखो यहाँ पे 10 mm का अगर मैंने लिया 200, ये लेयर बी के लिए है, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग अगर मैंने 180 किया जैसा कि हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था, तो ये देखो ये ज़ीरो हो गया। उसी तरह से लेयर बी का सॉरी लेयर ए का, तो ये हमने 190 कैलकुलेट किया था, 200 पे वो दिखा रहा है, 200 पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये 190 में करके देखता हूँ। देखो ये हमारा जो मैनुअल कैलकुलेशन था वो सही आ रहा है, तो यहाँ पे ये जीरो रेनफोर्समेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से हमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है। ये मेथड हमने देखी स्ट्रिप बेस्ड मेथड, और उसके साथ साथ में एक और ऑप्शन जो कि यहाँ पे आईएस कोड के हिसाब से देखना पड़ता है हमें, इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग, ये ऑप्शन अगर हमने टिक किया और उसके बाद अप्लाई किया, तो यहाँ पे अगर समझो मैंने स्पेसिंग बढ़ाया, यहाँ पे ये दिखाएगा शायद, देखो यहाँ पे दिखाता है, तो ये मैंने 200 करके देखता हूँ, यहाँ पे दिखाता है 190 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे ज़ीरो दिखाता है। तो इस केस में मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया भी हमें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था पहले से ही, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टिक मार्क करना ही है, टिक मार्क हटाना नहीं है, वो करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है ना, सिंपल है ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।